भाई आज मैं आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ दिखाने जा रही हूँ। वैसे तो मैं हमेशा मुख्तलिफ दिखाती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि आज मेरी बचपन की कुछ यादें जो हैं वो रिन्यू हो रही हैं। तो वो दिखाने के लिए आपको मेरे साथ अंदर जाना पड़ेगा हॉल में, और हॉल में जाके आपको मज़ा आएगा और आप देखेंगे कि कितना मज़ा आता है, कितना मज़ा मैं करूँगी और कितना मज़ा आपको आता है। ठीक है, चले आए। मुझे समझ आया कि हर कामयाब इंसान की कामयाबी की वजह सच्चाई, ईमानदारी और रवादारी होती है। ये है नुमान, और नुमान की हाइट को देख के मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यूं करके बात करना पड़ता है। नुमान मुझे बताओ कैसा, इतना ज़बरदस्त, मुझे बचपन में याद आ गए एकदम खूबसूरत में ज़बरदस्त किस्म के जो है वो पपेट्स थे, मुझे सब बहुत मज़ा आया। कैसे कॉन्सेप्ट आया तुम लोगों को और कितने मजीद करने वाले हो तुम लोग? हम लोग टोटल 330 परफॉर्मेंसेज करने वाले हैं इसकी। और कैसे कॉन्सेप्ट आया, एक्चुअली एक कोट पढ़ रहे थे हम लोग, एक्सप्रेशंस आर बेटर देन वर्ड्स। तो इस कोट्स को देखते हुए हम लोगों ने थोड़ी सी अपने ऊपर रिसर्च करी, अपने परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर रिसर्च की। फिर हमें एक मरता हुआ फन दिखाई दिया कठपुतली का, हम लोगों ने सोचा क्यों ना कठपुतली की जाए। फिर उस कठपुतली को जब हमने किया, सबसे पहले जो हमारी इसकी परफॉर्मेंस थी, एक कल्चरल सेंटर है कराची में, उसके लॉन में एक परफॉर्मेंस थी, तो हमने वहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशनल जो पपेट्री है उसे हम लोगों ने पेश किया। तो हमने देखा कि लोग इतने ज़्यादा महसूस नहीं होते उससे क्योंकि दौर अपग्रेड हो रहा है, लोग भी अपग्रेड हो रहे हैं, सोच भी अपग्रेड हो रही है। तो हमने कहा कि क्यों ना हम भी इसे अपग्रेड करें और बहुत इनोवेटिव मैनर में इसे मॉडर्न तरीके से पेश किया जाए। इस तरीके से मॉडर्न स्ट्रिंग पपेट्री का जन्म हुआ, जिसको हम लेकर पाकिस्तान स्ट्रिंग पपेट्री फेस्टिवल लेकर निकले हैं और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को अपने पाकिस्तान की कल्चर की वैल्यू बता रहे हैं। सेकेंडली हम बच्चों को बता रहे हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है। भाई मुझे जो है, मैं फैसल भाई और नुमान को पहले से जानती हूँ और इनके जो कठपुतली तमाशे लास्ट डे भी हुए थे मैंने पूरी तरीके से कवर किए थे, और अब मैं वीलॉग के जरिए आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो बाहर हैं उनको पता चले कि पाकिस्तान में बहुत पॉजिटिविटी है यार, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह है कि पपेट्स के ज़रिए मैसेज जा रहा है जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फैसल भाई और फैसल भाई जो है वो रूहे रवा हैं थेस्पियंस के। मुझे वैसे पहले मैं बता दूं, आप उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिए इनके हक में जो मैं कर रही हूँ ना, लेकिन ये कि मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा। फैसल भाई बहुत मज़े के बड़े अच्छे इंसान हैं और इनसे मेरा ताल्लुक पहले पुराना है, तो अभी जब दोबारा हो रहा है तो मैं रह नहीं सकी और मैंने बाकायदा फिर कहा कि अभी मुझे आना है और मैं ब्लॉग करूँगी और मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग देखें। फैसल भाई मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा मज़ा आया, अच्छा इसलिए लगा कि सकाफत रिन्यू हो रही है और नए अंदाज आप दिखा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कितनी जगह पे आप लोग करना चाह रहे हैं और क्या क्या प्लान्स हैं अभी? ये कराची के 11 इलाकों में परफॉर्मेंसेज हो रही हैं लेकिन ज़्यादातर स्लम्स हैं, आउटस्कर्ट्स हैं। कराची इसलिए हम रखते हैं कि ये यहाँ पर बहुत ज़रूरत है लोगों को काम करने की, बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पपेट म्यूजियम्स नहीं हैं, यहाँ इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, यहाँ पर पपेट म्यूजियम की अशद ज़रूरत है, पपेट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। और तमाम प्राइवेट या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ को अपने यहाँ जो मीडिया साइंसेस चला रहे हैं या मीडिया रिलेटेड है, वहाँ पर पपेट्री डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, देख लिया आप लोगों ने, फैसल भाई ने बता दिया आप लोगों को सारी बात, कुछ छुपी तो रही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि पॉजिटिविटी जो है ना वो फैल रही है और कठपुतली तमाशों के ज़रिए जो है एक अच्छा मैसेज आ रहा है, बच्चों के लिए अच्छा मैसेज है। मैं हमेशा से इस बात के ख़िलाफ़ रही हूँ कि बच्चों को आप जो है वो कार्टून्स और मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं जिनको जिनका कंटेंट आपको नहीं पता होता आप छोड़ देते हैं, लेकिन आप प्लीज़ कठपुतली तमाशे ज़रूर दिखाएँ क्योंकि इनमें पॉजिटिव मैसेज है। और हाँ, वी गारंटेड, थेस्पियंस की गारंटी है कि भाई आप इंटरटेनमेंट जो है फुल ऑन है, आप लोग आएँ। और फैसल भाई के साथ तो मेरा बड़ा अच्छा टाइम है, अब मैं मज़ीद जा रही हूँ कठपुतली तमाशे देखने, आप
जाएं और हमारा पेज भी विजिट करें facebook.com/thespianz और ट्विटर पे हम @thespianztk है। बिल्कुल, अब आप लोग विजिट करना है आप लोगों का काम, और जो है मेरा यहाँ पे मैं अब मस्जिद का छुट्टी तमाशा जो है वो एंजॉय करने जा रही हूँ। ये सारे थे, और ये अजहर आना, शाकिर, अजहर अयूब, दो अजहर हो गए, राशिद अजीज और शुएब अशोर। ये जो असल हमारे पपेटियर्स थे और जिन्होंने इतनी खूबसूरत पपेट्री की है ना, वो ये थे। तो ये तो हो नहीं सकता है कि इतने खूबसूरत जो है। हाँ भाई, इस बच्चे ने कहा कि मैं छुप रहा हूँ तो इसलिए मुझे सामने चढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे नीचे के बात करनी पड़ेगी। ये जो इतने प्यारे प्यारे से हमारे बिल्कुल छोटे छोटे से लड़के हैं, इन्होंने इतनी महारत से काम किया है और इतने अच्छे से इन्होंने पपेट्स जो है वो दिखाए हैं कि मैंने आपको बैक स्टेज भी मैंने इसको शूट किया था किस तरीके से ये लोग सारा काम कर रहे थे, लगे हुए थे। ये जो है ये हमारा भाई है, ये भी छुप रहा था, वैसे इस तरफ आ जाती हूँ मैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, और ये सारे पपेटियर्स से इन्होंने इनकी सारी मेहनत थी, सारा काम इनका था, कॉन्सेप्ट फैसल भाई नौमान भाई का था, और जो है लेकिन मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से, मतलब ये कहने में कोई वो नहीं है कि आप लोगों ने सर फखर से बुलंद कर दिया। बहुत अच्छी बात ये कि इस एज में ये बच्चे जो हैं किसी भी गलत एक्टिविटी में पढ़ने के बजाय एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज पास कर रहे हैं मजीद आने वाली जनरेशन को। तो मैं अब जा रही हूँ इन बच्चों के साथ पपेट्स के मजीद शोज़ को देखने के लिए, और आप जाएँ और टाटा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, और अब आप जाएँ। और ये मेरे इतने फैंस थोड़े से बढ़ गए हैं क्योंकि अब ये भी आएंगे ना, ये बढ़ गए। तो आप लोग जो है मुझे आप YouTube पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये तो कर ही देंगे मुझे, और जो है बाकी आप मुझे Facebook पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, नाजिश आप पाकिस्तानी व्लॉगर पे, नाजिश मलंग आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा नाजिश अयाज आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। तो टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, और मैं जा रही हूँ इंजॉय करने, और आप लोग जाएँ फिर, टाटा, अल्लाह हाफिज़।